एधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एधी ने कोरोना वायरस की तशखीस के बाद वीडियो बयान में कहा है कि फराइज की अंजाम दही के दौरान मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बित आया। बहुत सारे लोगों का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया जो ठीक हो गए। मैं भी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाऊंगा। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है। पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और जो मुतासर अफराद हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। मुझे भी इन खिदमत की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। और बहुत सारे जो दीगर लाखों की तादाद में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि वो भी बिल्कुल ना घबराएं और परेशान ना हों। 80% लोगों को ये होके ख़त्म भी हो जाता है, पता नहीं चलता। 15-20% को इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को जो है ये ख़तरनाक साबित होता है। लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और दुनिया इसका मुकाबला करेगी और तमाम लोग इंसानियत जो है वो इसमें कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि हमारा काम कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए, खिदमत जारी रखें, कहीं पर मेरी जरूरत पड़े तो मैं फोन पर रابطे में रहूंगा। मुझे उम्मीद है और मैं ईदी के वर्कर्स को भी हिदायत करना चाहता हूं कि मेरे पॉजिटिव होने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा काम कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए और इसी तरीके से आप खिदमत जारी रखें और कहीं पे भी मेरी ज़रूरत हुई तो मैं फ़ोन पे रابطे में रहूँगा 24 घंटे और जब भी मैं नेगेटिव हुआ मैं आप लोगों के दरमियान फिर से जो है वो इस जंग का हिस्सा बन जाऊँगा।